हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सी शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम में डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है? यह जो फेज होता है यह क्या होता है, इसमें क्या क्या होती हैं दोस्तों, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल, दोस्तों हर ट्विन फ्लेम को इस फेज से गुजरना पड़ता है। यह बहुत ही डार्क नाइट और टफ फेज होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसमें आपकी अवेकनिंग होती है और आप इस अवेकनिंग से गुजरते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। यह बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जिसमें आपको डार्क फेज से गुजरना पड़ता है। इसमें आपको आपके बॉडी में जगह जगह पर पेन होता है दोस्तों। आपको अपने में डाउट होने लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और किस लिए हूँ और यहाँ पर किस लिए आई हूँ मैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई भी पर्पस है ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको बहुत एंजाइटी होती है इस समय। आपके साथ जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं, एडिक्शन है, एडिक्शन इशू हैं, बाहर आने लगते हैं। एंसेस्टर ब्लड लाइन क्लींजर है, वो सब सरफेस होने लगता है। आपके अंदर का जो इमोशन है, वो इस जन्म का हो या फिर पास्ट लाइफ का, सब सरफेस होने लगता है। आपके हार्ट में बहुत पेन होता है, आपका हार्ट ओपन होता है और जो भी आपके हार्ट में पेन, इमोशंस, वुंड होता है, एडिक्शन सब होता है, वो बाहर आने लगता है और आपको इन सब चीज़ों को हील करना होता है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको इन सब को, सब इश्यूज को हील करना पड़ता है और आपके अंदर जो फियर है उसको ख़त्म करना होता है। इसमें आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, आपको अनस्टेबल फील होता है। शुरुआत में तो आपको मेंटली हेडेक होता है, लेकिन बाद में आपको फिजिकली पेन भी होने लगता है। बॉडी में हर जगह पर, हर पार्ट में पेन होने लगता है। आपका नीचे वाली बॉडी में पेन होता है, किसी किसी का माइंड पे पेन होता है, सर में दर्द होता है, किसी का पीठ में दर्द होता है, किसी का बैक में पेन होता है। आपका शिफ्ट होता है दोस्तों और आप 3D से उठकर 4D डायमेंशंस में शिफ्ट होने लगते हैं और वहाँ पर आप अपने स्पिरिट गाइड को कांटेक्ट करते हैं। वहाँ पर आप निगेटिव स्पिरिट्स भी होते हैं जो आपको नहीं चाहते हैं कि आप आगे पहुँचे, तो वहाँ पर वो आपको अटैक करती हैं, पर वो आपको आप अटैक करते हैं और वो आपके वीकनेस के थ्रू, आपके फियर वुंड को, मेंटल प्रॉब्लम पर अटैक करती हैं आपके खिलाफ़। इसी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है। आपकी बॉडी पहले 3D डायमेंशन से गुजर रही थी, लेकिन आपकी बॉडी जब फोर्थ फोर्थ डायमेंशन से गुजरती है तब बॉडी को आदत नहीं होती उस एनर्जी की, इसलिए आपको बहुत हैवीनेस फील होता है। ट्विन फ्लेम में डीएम चाइल्डहुड वुंड्स, फियर, एडिक्शन से डीएम ऑपरेट करते हैं और अपने अंदर के इमोशंस को, फीलिंग को, वुंड्स को देखते हैं। पहली बार तो डर डर कर भाग जाते हैं, इस वजह से वो भागने लग जाते हैं। डीएम क्यों भागते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके अंदर का जो फियर होता है, जो वुंड्स होता है, जो इमोशंस होता है, वो सब सरफेस होने लगता है और वो इस चीज़ को देखकर वो भागने लगते हैं और वो प्लेजर्स ढूंढने लगते हैं। या प्लेजर्स, सेक्स, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब भी हो सकता है। इन सब में वो घुस जाते हैं और अपने फियर वुंड्स को फेस नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय आपके मन में बहुत सारे फियर्स घूमते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। आपके मन में, अगर आप जॉब जॉब में हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड इशू होने लगते हैं। आपके मन में बहुत से फियर्स हमले भी करते हैं, तो आप खुद के साथ बैठो और आप सोचो कि कहाँ पर आपको फियर है और आप अपने फियर का सामना करने की कोशिश करो। यह एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपके चाइल्डहुड से जुड़े वुंड्स, एडिक्शंस, फियर, इमोशंस, फीलिंग्स सब बाहर आने लगते हैं और सरफेस होने लगते हैं। आपको इन सब को हील करना होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप पुराने चीज़ों को हटाओगे ना, तभी तो आपके अंदर नई नई चीज़ को नई चीज़
नई चीज़ को आप फीड करोगे। इसलिए इन सब चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। इस फेस से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही अच्छे से धैर्य से पार करने की कोशिश करनी चाहिए। यह फेज इस तरह से पार हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपको अपनी खुद की लाइफ ऐसी है जो आपको जैसे आपको कुछ लग ही नहीं रही, इस लाइफ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। दोस्तों, आपको मेंटली प्रॉब्लम भी होगा इस फेज़ के दौरान। आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे आपके अंदर। आपको अपने अंदर मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि फिजिकली प्रॉब्लम भी होता है, बॉडी में आलस जैसा आता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, मन बहुत घबराता है, मन में बहुत से उथल पुथल चलते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है आपका, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें दोस्तों, जो चीज़ें पहले आपको बहुत अच्छी लगती थी, जैसे कि आपको डांसिंग करना, म्यूजिक सुनना, सिंगिंग करना, पुरानी जॉब करना, पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, वो चीज़ें अब आपको पसंद नहीं आती हैं। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता था, वो सारी चीज़ें में आपको इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। अंदर से फीलिंग आती है कि अब मुझे ये सब नहीं करना, अब मेरा कुछ और अलग मिशन है, मुझे इस तरह की लाइफ अब नहीं जीनी, मेरा लाइफ जीने का मतलब कुछ अलग है, इस तरह की आपको फीलिंग होने लगती है। दोस्तों, ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल्स आता है, इससे अगर आप एक बार बाहर निकल जाओ, तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ में एक लाइट ही लाइट है, डार्कनेस नहीं, लाइट ही लाइट होगी आपकी लाइफ में। दोस्तों, इस समय अगर आप चाहते हो कि आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप जल्दी से बाहर निकलो, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उसे आप फॉलो करना। दोस्तों, इस समय आप अपने इमोशंस को लिखना, ठीक है, एक कॉपी और एक पेन लेना, और आपके अंदर जो भी वुंड्स हैं, जो भी पेन्स हैं, उसको आप अपने एक कॉपी और पेन पर लिखना। इससे आपको एक नई दिशा मिलेगी। जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को लिखोगे, पढ़ोगे ना, तो आपकी सोल आपको राह दिखाएगी कि अब आपको आगे क्या करना है। दोस्तों, हम यह सब बात सबसे नहीं बता सकते हैं, तो अब आप इसे लिख सकते हो। आप अपनी सारी चीज़ों को सरेंडर कर दो गॉड को। आपकी अवेकनिंग चल रही है दोस्तों, तो आपको अपनी सोल को आपके सोल पर्पस और सोल मिशन की तरफ ले जाकर ही रहेगा। आपका जो सोल है, आपका सोल पर्पस और सोल मिशन की तरफ ले जाकर ही रहेगा, समझे आप। इसलिए आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, अपनी सोल को, और अच्छे से सोल पर्पस और सोल मिशन तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाएगा। आपकी जो सोल है, वो आसानी से आपको आपके सोल पर्पस तक ले जाए, इसके लिए आप अपने आपको खुद को सरेंडर करो गॉड को, ठीक है। आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, सरेंडर कीजिए, थैंकफुल रहिए गॉड को, ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि और ये सब एक्सेप्ट कीजिए कि आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आप डिवाइन सोल मिशन पर हैं, गॉड ने आपको चुना है, तो आप इस बात पर आगे बढ़ें, और मैं इस बात पर आगे बढ़ूँगी, मैं इस मिशन को चूज करती हूँ। या आप खुद से बोलिए, खुद को पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और खुद की एनर्जी की क्लीनिंग कीजिए, स्पिरिचुअल बाथ लीजिए, जिसमें वो होता है ना, इसमें आप स्पिरिचुअल बाथ भी ले सकते हो दोस्तों, जिसमें आप जब नहा लो तो उसमें आप पानी में नमक डालकर और उसमें बोल सकते हो कि आई एम ए प्योर सोल, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, और इस जल से नहाने के बाद मेरी अंदर की सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और मेरे अंदर प्योरिटी आएगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आप इसमें बोल सकते हो दोस्तों, 11 बार बोलकर आप इस पानी से अपना नहा लो, ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। यह स्पिरिचुअल बाथ्स भी होता है दोस्तों। यह फेज जिसके साथ भी चल रहा है या फिर ख़त्म हो चुका है, तो ये से फेज भी हमें कुछ सिखा कर जाता है दोस्तों। तो ये सारे फेज से हमें सब कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने ही आए हैं इस 3D प्रे पर, इस 3D मटेरियल लाइफ पर। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होती है, और इसका क्या पर्पस होता है, और इस चीज़ से हम कैसे बाहर जल्दी से जल्दी आ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।